ओम परमात्मने नमः। छठे अध्याय में पूतना का उद्धार। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन, भगवान ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना सकती थी। एक दिन नंदबागा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप धारण बनाया। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए गृह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुसी। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही उसने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभित सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। ये उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वो पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित,
इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतना पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर बत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजन, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर डाढ़ों से युक्त था। उसके नथने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फटसे रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तो वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने अपने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और वे 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास तथा करन्यास किया। वह बालक के अंगों में बीजन्यास किया। वे कहने लगी कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरोष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, अरुक्राम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर, भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आए। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी अरु गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश, भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कूष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद एवं उपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह, बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उसके साथी लोग गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। तब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वो कहने लगे कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो। क्यों?
कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहां देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी गंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था जिससे उसके सारे पाप तत्कालीन नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उसको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं, वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना को राक्षसी थी परंतु से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं को वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह को अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती। क्यों कि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिंता के धुएं की सुगंध पहुंची, चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने को की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। अतः छठ अध्याय समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।